व्यूअर्स, आपने मुझे डेंटल रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि उसमें आप मुझे कुछ नया बताएं। और डेंटल में जो आपने मुझे कमेंट किया उसमें टेढ़े मेढ़े दांत, दांतों में कैविटी, और अगर मैंने मेरे दांतों में कैविटी है और मैंने उस पर अगर कैप लगवाई है तो क्या मैं मेडिकल में क्वालिफाई कर जाऊँगा या नहीं कर जाऊँगा, इससे रिलेटेड साथ ही साथ इम्प्लांट या फिर मिसिंग टीथ के बारे में भी आपने मुझसे बहुत कुछ पूछा है कि मिसिंग टीथ में अगर मेरे कोई एक दांत नहीं है और उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए या मुझे नया दांत लगवाना चाहिए नहीं, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन या फिर टेढ़े मेढ़े दांत या आगे पीछे के दांत, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे अभी मेरे पास आए हैं। हम इन पर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको उन वीडियोज़ के लिंक दे रहे हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या इनसे रिलेटेड है तो आप इस आई बटन को क्लिक करिए और जो आपको लिस्ट दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम आप उस वीडियो को चूज़ करिए और उसको देखिए। उसके बाद फिर मुझे कमेंट करिए कि आपकी अब क्या समस्या है जिसकी जानकारी हम लेकर आपके लिए आए। साथ ही साथ आपने मुझे TMJ प्रॉब्लम के बारे में भी बहुत सारे सवाल यहां पर किए हैं। रुसून मैं कांटेक्ट में हूं, जैसे एक्सपर्ट से मेरी बात हो जाएगी मैं उनको जरूर बुलाऊंगा या मैं उनके पास खुद जाऊंगा और फिर मैं आपके जो बेस्ट सोल्यूशन उसके लिए TMJ का होना चाहिए उस पर हम उसको लेकर आएंगे आपके लिए। तो अगर नॉर्मल आपकी जो डेंटल रिलेटेड कोई भी अगर आपका इश्यू है तो हमने ये जो आई बटन है आपका इस पर आपको दिया है लिंक, उसका आप उसको जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोज ये अच्छे लगते हैं तो उसके दो ऑप्शन आपके पास हैं इसका फीडबैक देने के लिए, एक तो लाइक बटन, दूसरा कमेंट। और अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रह सकते हैं जिससे कि नए वीडियो जो हम अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट उसको उससे आप अपडेट रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।